दिस इज़ उस्मानाबाद, महाराष्ट्र के सबसे सीवियरली ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज में से एक। यहाँ अगर गर्मी के दिनों में आओ तो या तो इसे बंजर ज़मीनें दिखेंगी या फिर सूखे हुए पेड़। बट इन दिस सेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उस्मानाबाद देयर इज़ वन प्लेस दैट स्टैंड्स आउट फॉर इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड फॉर द वे इट इज़ मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व्ड। Would you believe if I say these two shots are taken almost at the same place? It's just that one is a maintained and preserved area and one is a barren land. I'm talking about the fort of Naldurg. गाइज वेलकम बैक टू काउंटिंग किलोमीटर्स। आज हम एक ऐसी जगह पे है विच इज़ लाइक अ हिडन ट्रेजर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ईस्टर्न पार्ट जिसको हम सिर्फ ड्रॉट प्रोन एरिया कह के जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देर आर सो मेनी मोन्यूमेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस, देर आर सो मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। आज हम उसमें से ही एक जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। दिस इज़ नलदुर्ग फोर्ट, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये फोर्ट है। एंड इफ़ यू डोंट नो, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लैंड फोर्ट है ये। द एक्सपांस ऑफ दिस फोर्ट इज 125 एकर्स। हम में से तो बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उस्मानाबाद जैसे प्लेस में इतना इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट भी है। वन मोर फैक्ट अबाउट दिस प्लेस कि ये महाराष्ट्र का पहला ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया हुआ है फॉर कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस। सो लेट्स गो, आज पूरा दिन हम इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई ट्राई टू शो यू ऑल द सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स, उसके बारे में जितना भी मुझे पता है, जितना मैंने स्टडी किया है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेट्स एक्सप्लोर दिस अमेजिंग प्लेस। सो गाइस, दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। इफ यू से इट्स सो डिसेप्टिव व्हेन यू आर एंटरिंग, यू डोंट नो वेयर टू गो। सी, वी आर नाउ राइट बिटवीन द टू फोर्टिफिकेशन वॉल्स। दिस लेफ्ट वन इज the one that we just crossed, and the right one, it's as big as that. I really wonder ki itne purane zamane mein aise precise construction kaise kiya jata tha. Ye hai kile ka main gate. To basically kile ka main gate dekhne ke liye bhi aapko inka dost hi hona padega. If you are any one of the enemies, ye gate dekhne se pehle hi aapka khel khatam. चलो अंदर चलते हैं। सो वी आर एट द अंबर खाना नाउ, द प्लेस वेयर एलिफेंट्स यूज टू बी केप्ट। इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर, इसके अंदर हाथियों को बांध के रखा जाता था, उनकी देखभाल, उनका खाना सब इसके अंदर होता था। इसके ऊपर जाने के लिए शायद रास्ता है, लेट्स चेक इट आउट। अगर ऊपर जाने के लिए रास्ता है तो ऊपर जाके देखेंगे वहाँ से फोर्ट का व्यू कैसा दिखता है। सी, अभी हम नवबुरुज की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ अ यूनिक मोन्यूमेंट इन दिस फोर्ट। इनफैक्ट As I've heard from some people कि पूरे वर्ल्ड में ये इकलौता ऐसा मोन्यूमेंट है। एंड आई टेल यू मोर अबाउट द मोन्यूमेंट itself, बट लेट्स गो देयर। वी आर एट द टॉप ऑफ नवबुरुज नाउ। From here you can clearly see the Hathikund. Let's come back towards the Navburuj. As I said, it's a unique place, it's a uniquely built bastion, and it's got its own reason. You can see the vehicles plying over there. That's the Hyderabad highway. So from ancient times it is said to be a route of quite significance. मतलब सदर्न एम्पायर जितने भी थे वहाँ का पूरा मूवमेंट, जो भी कॉन्वॉइज जाते थे, सब इसी रूट से जाते थे। सो दिस नवबुरुज वॉज
one of the main points to keep watch on them. So yahan pe the bastion itself is built in two tiers. We are on the top tier right now. So the most unique part of this Navburuj is that the second level is built in such a way, see, it's got 9 different places marked for keeping watch and firing on 9 different directions. We are at the entrance of Rang Mahal. Rang Mahal was actually supposed to be cultural center of all these historical monuments, jahan pe sab cultural performances, dance shows and all those things used to happen whenever artists from outside came and they wanted to show their arts to the emperors. To yahan pe wo performances hote the. It is that structure. किसी भी प्लेस को इस तरह से मेंटेन करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. वन इज़ प्रॉपर मेंटेनेंस, जो मेरे ख्याल से इन्होंने रखा ही है यहाँ पे. बट मेंटेनेंस फिर भी किया जा सकता है अगर रिसोर्सेस अवेलेबल हो. बट द मेन थिंग, द प्राइम इम्पोर्टेंस यहाँ पे वो है जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है. उस्मानाबाद जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया में इस जगह पे इतना पानी अवेलेबल है. सी, वहाँ पे जो वॉल आपको दिख रही है वो एक डैम वॉल है. देयर इज मोर टू इट. उस वॉल के अंदर कुछ महल है. उस वॉल इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी आर वॉकिंग इन टू अ डंजन और समथिंग लाइक दैट. Ooh. Keep faith and keep walking. I can't see anything. And all of a sudden you take a left turn and you are inside a big palace. Beautiful. That's not beautiful. See how people ruin the things. इतने अच्छे से maintain कर रहे हैं लोग और इन लोगों को खुद का प्यार जताना है यहाँ पे. Anyways, forget that. Look at this. It's a natural jacuzzi. अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके exactly पीछे पूरा पानी है as you all know. और उस पानी के pressure पे ये jacuzzi चलता था. And there's a इंस्क्रिप्शन ओवर हियर. अब इसको डिसाइफर करने के लिए तो कोई एक्सपर्ट ही लगेगा. सी, एंड अबाउट दिस प्लेस, यहाँ नलदुर्ग में अगर हम देखें तो दिस इज हाउ दरबार हॉल इज डिजाइंड. जिस ग्लोरी में शायद वो 500 साल पहले था उसी ग्लोरी में आज भी दिखता है. दिस इज द प्लेस दैट मस्ट बी द स्ट्रक्चर जहाँ एम्परर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठते होंगे. एंड दिस प्लेस इज फॉर ऑल द जनरल पब्लिक टू सिट एंड अटेंड द प्रोसीडिंग्स. अमेजिंग. द यूनिक थिंग अबाउट ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी मॉन्यूमेंट ओवर हियर is it comes with a spectacular view of this water body. You are here to attend a darbar and you are presented with this kind of a view. Enjoyable darbar hota hoga yahan pe.
Now we are going towards this Upli Buruj. It's one of its kind monument actually. Ek yahan pe hai Naldurg mein, and there is a similar bastion in Vijapur. I have not visited that, but I have seen the pictures. But this one is way bigger than the one in Vijapur. It's got some 130 odd steps and it's some 75 feet tall. It's the tallest structure in this fort. So finally we have reached the top of Upli Buruj. और यहाँ पे दो बड़ी बड़ी तोहफे रखी हुई है. दिस वन इज द बिगेस्ट, बट आई शो यू द अदर वन फर्स्ट. लुक एट द कार्विंग एंड लुक एट द डिजाइन दैट दे हैव मेड ऑन दिस. इट्स सो ब्यूटीफुल. इट्स इन द शेप ऑफ सम एनिमल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इट्स एन एनिमल माउथ. There's one interesting thing about this. If you see, there's a unique structure over here, a couple of structures. That cannon is mounted on one of those structures, and this bigger structure must have been for the other cannon, this bigger one. It's made in such a way that there used to be a pivot point in the center on which that cannon was mounted. So basically, the guys were able to rotate the cannon in any direction that they want. So with these two cannons, they must have been able to control the entire 360 degrees of this fort. And on the other side of that wall, there's another fort which is called as Ranmandal. It's a twin fort of Naldurg. But there's nothing much to see on that fort actually. I don't see any structures or monuments over there. This structure right next to the Upli Buruj is called Darukhana, or as in the modern terms, you call it ammunition depot. All the ammunition, all the weaponry used to be stored in this. So this is one of those structures which is quite nicely in shape till now. One more place of historic importance. It's called Munsif Court. So it's basically the courtroom and the jail over here. So we are inside one of the cells right now. Kaidiyon ki tarah baithe hai. If you see, the doors to the cells are so small. See, I'll almost have to crawl out of this. Here you go. Chalo, jail se chhut gaye. See how beautifully they have maintained this place. Guys, we have come to the opposite side of Pani Mahal now. हम इससे पहले जो देख रहे थे वो पूरा वाटर स्टोरेज इस वॉल के पीछे की तरफ है, और उसके डाउनस्ट्रीम साइड में अब मैं खड़ा हूँ. और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इट इज़ गॉट टू आउटलेट्स, एक इस तरफ है और एक दूसरे एंड में. बेसिकली इनको यहाँ पे नर मादी वाटरफॉल करके बोला जाता है, लिटरली मीनिंग मेल फीमेल वाटरफॉल्स. एंड ऑन अ लाइटर नोट, दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे मेल इज़ ऑन द राइट साइड. इन वाटरफॉल्स का मॉनसून का एक फोटो मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है. आई जस्ट पिन इट हियर अक्रॉस द स्क्रीन. इट्स वेरी ब्यूटिफुल इन मॉनसूनस. और जहाँ तक मैंने यहाँ पे लोकल्स से पता किया है, द मॉनसूनस ओवर हियर आर इन लेट सीजन. तो बेसिकली अगर आपको इन वाटरफॉल्स को देखने के लिए यहाँ आना है तो आपको आपका ट्रिप प्लान करना पड़ेगा अराउंड सेकेंड हाफ ऑफ सेप्टेम्बर. यस, दिस इज़ अनदर एंट्रेंस टू दिस फोर्ट. दिस इज़ कॉल्ड एज हाथी गेट. मैंने आपको Upli Buruj पे जब हम गए थे तो मैंने दिखाया था कि देर इज़ अ ट्विन फोर्ट कॉल्ड Ranmandal. ये जो हाथी गेट है, दिस इज़ द एंट्रेंस टू दिस Ranmandal फोर्ट एक्चुअली. इट्स काइंड ऑफ वियर्ड एक्चुअली. इसको हाथी गेट क्यों बोला जाता है पता नहीं, क्योंकि एलिफेंट्स जो है उसी गेट से अंदर आते थे जहाँ से हमने एंट्री की थी. आपको वहाँ पे मैंने अंबरखाना भी दिखाया, मतलब एलिफेंट स्टेबल जो होता है वो भी वहीं पे है. द एलिफेंट्स यूज टू कम इन एंड गो आउट फ्रॉम दैट गेट ओनली. तो इसको हाथी गेट क्यों बोला जाता है, इसका कोई मुझे जवाब अभी तक नहीं दे पाया है. बट
चलो अगर इसको हाथी गेट बोलते तो यही सही। अब यहाँ से अंदर जाके देखेंगे हम फोर्ट में कहाँ निकलते हैं। वॉक अक्रॉस ऑल द वे फ्रॉम हाथी गेट एंड पूरा रनमंडल फोर्ट क्रॉस करने के बाद सी वेयर वी हैव रीच्ड, इट्स बेसिकली द अदर साइड ऑफ पानीमल। तो अब ये भी कह सकते हैं कि ये जो पानीमल है वो इन दोनों ट्विन फोर्ट्स को ब्रिज करने के लिए बनाया हुआ था। और इस तरफ से पानीमल पे आने का एक और फायदा हुआ, यहाँ पे आई जस्ट केम अक्रॉस अ लोकल पर्सन जिसने बताया कि यहाँ पे और एक प्लेस है जो मैंने मिस कर दिया था देखना, देयर इज अ गणेश मंदिर विच इज अगेन बिल्ट इनसाइड दिस फोर्ट। तो अभी इनके साथ चल के ये भी देख लेंगे। चलो सर आप दिखाएंगे। दो बार इस वॉल के अंदर उतर चुके हैं और अब ये तीसरी बार देवी, ये तो दीवार के अंदर गुफा बनाई हुई है। वाह और नीचे जाना है। अब यहां से मेटल लैडर लगा हुआ है। पहले तो स्टोन बिल्ड बहुत से स्टेप्स थे, ये पूरे वॉल में बने हुए जैसे गुफा में अंदर आए हम लोग, और इस लैडर से मेटल लैडर से उतरने के बाद फाइनली वी हैव रीच्ड दिस प्लेस। दिस इज लाइक अ हिडन प्लेस एक्चुअली, ये मुझे भी पता नहीं था, थैंक्स टू दिस पर्सन की इन्होंने बताया कि आप यहाँ तक आए तो इसे भी देख के जाइए। तो और एक प्लेस देखने को मिली नलदुर्ग में। सो फ्रेंड्स कैसा लगा नलदुर्ग फोर्ट? Anyways, if you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe to this channel. और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपको कोई भी फीडबैक हो, आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो नलदुर्ग के बारे में या फिर ऐसे किसी भी प्लेसेस के बारे में या फिर ऐसे कोई भी प्लेसेस जो आप चाहते हैं कि काउंटिंग किलोमीटर्स में कवर किए जाए, आपके पास कोई भी सजेशंस हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, टिल देन कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।